दीपेंद्र हुड्डा का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जननायक जनता पार्टी के गठन पर दी प्रतिक्रिया। बोले, स्वार्थ के आधार पर बनी पार्टी वैचारिक नहीं, स्वास्थ्य की लड़ाई साठ घाट से लड़ रहे हैं। भाजपा पर साधा निशाना, बीजेपी की नीति काम को छोड़ो, भाईचारा तोड़ो। मंत्री मनीष ग्रोवर के बंदूक आर्थिक मदद वाले भाषण पर भी दी प्रतिक्रिया। करनाल में भूपेंद्र हुड्डा के इनेलो बसपा समर्थित प्रत्याशी को समर्थन पर स्पष्टीकरण भी दिया। आज इशू तो ये है, कल एक नई पार्टी आई, उससे पहले क्योंकि आप उस पर भी सवाल पूछोगे, तो उस पर ज़्यादा ना बोलते हुए, ये तीन साल पहले हुड्डा साहब ने एक बात की थी कि इनेलो इलेक्शन आते आते इनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। इनेलो को तो आप मंथन इस बात पे करना चाहिए था, उन्हें सोचना इस बात पे था, चिंतन उसको इस बात पे करनी चाहिए थी इनेलो को कि 2004 के बाद लगातार 6 चुनाव हुए हरियाणा में, 3 लोकसभा के 3 विधानसभा में, हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत कम आया और 6 बार लोगों ने लगातार नकारने का काम किया। 6 बार के बाद जाके वो 2 लोकसभा सीट और 19 जो है विधानसभा की उम्मीदवार उनके जीत पाए और 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त, यानी कि प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से से 60-70% हिस्से से इनेलो लुप्त हो गई, 2-4 जिलों में ही रह गई। आत्ममंथन तो इस बात का करना चाहिए था कि भाई जब 7 थे तब भी इतनी गिरावट कैसे आ गई लोगों में विश्वास में, मगर उस बात को छोड़ के अपने स्वार्थ पे, अब ये जो दोनों पार्टियाँ बनी हैं ये इनके स्वार्थ के आधार पर बनी है, निजी स्वार्थ के, अपने स्वार्थ के आधार पे दो पार्टियां इनकी बन गई हैं, जिनके ये जो कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है आप और हम जानते हैं अच्छे से, कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, स्वार्थ की लड़ाई है दोनों की और लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है, मगर गिरते गिरते वो मुख्य सही, अब उनको इस बात से कुछ सीख लेनी चाहिए थी, मुख्य विपक्षी दल मगर के रूप में भूमिका निभानी चाहिए थी इस बार, मगर मुख्य सहयोगी दल बन गए, जो मैंने कहा कि रोहतक में भी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, पूरा हम आरोप लगाना इसको हमारा बस जिम्मेदारी से मैं आरोप लगा रहा हूँ, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं दोनों ने साठ गाठ से लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो क्योंकि सीख नहीं ली और यू बीजेपी के साथ साठ गाठ से चलते रहे, आज ये हालत आई है कि मुख्य सहयोगी दल और मुख्य विपक्षी दल जो था वो अब मुख्य विपक्षी दल की स्थिति में भी नहीं रहे, क्योंकि 3 विधायक कल वहाँ थे, तो उनको अपने आप ही इस बात को स्वीकार करते हुए, कांग्रेस के ज्यादा विधायक है, लीडर ऑफ अपोजिशन से इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस के ज्यादा विधायक है, पार्टी दूसरी बन गई। अब वो कह रहे हैं कि जी अब वो अपना वो इस्तीफा नहीं दे रहे, वो निकाल नहीं रहे, वो इस्तीफा नहीं दे रहे, ये कौन सा खेल है, और 3 विधायक वहाँ थे नई पार्टी में, तो उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारी सलाह है, तो कुछ ना कुछ गरिमा रहे लोकतंत्र की। रोहतक से विकास ओयान की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।